नमस्कार, रोको मत जाने दो, या फिर इसको यूं कहें रोको मत जाने दो। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बीच में एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एक लगा के रखा है, जिसकी वजह से दोनों का अर्थ बदल रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि रोक लीजिए, जाने नहीं देना है, एक तरफ कह रहे हैं कि जाने दीजिए, बिल्कुल रोकने का प्रयास मत कीजिए। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी में कई प्रकार के वेगों का वर्णन मिलता है हमारे आयुर्वेद में। वेग अर्थात बॉडी से ही समय समय पर निकलने वाली ऐसी चीजें जिनका निकलना बहुत आवश्यक है, जिसमें 13 आधारणीय वेगों का वर्णन आयुर्वेद में चाहे चरक हो चाहे भागवत हो देखने को मिलता है। चाहे आपका फ्लैटस पास होना, गैस का पास होना, चाहे आपका मल का पास होना, चाहे आपके पेशाब का पास होना, चाहे आपके आंसुओं का निकलना, चाहे आपकी छींक का आना, चाहे आपकी डकार का आना, ये इतने सारे 13 प्रकार के जो वेगों का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, इतना डिटेल में ये वर्णन मिलता है कि इसको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय के हिसाब से, जैसा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ये सीरीज चल रही है, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन की जो शैली है, जीने की शैली है, उसको किस प्रकार बदल करके स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और कोई बड़ी चीज नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं रोजमर्रा में, उसमें ही कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आज का मनुष्य निरंतर बीमार होता जा रहा है। और ये बेसिक सी चीजें अगर हमने समझ ली तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कोई गंभीर समस्या से तो बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में, इसमें से मैं एक सिंपल सा बेग लेकर के चलना चाहूंगा कि आयुर्वेद में जैसे मल के बेग को रोकने से बताया गया है कि जो व्यक्ति मल का बेग रोकते हैं, यानी सुबह फ्रेश होने के लिए जाना है, अर्जेज आ रही है बट रोकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में धीमे धीमे करके भूख का कम होते जाना, लिवर पर स्वेलिंग का आना, पिंडलियों में दर्द का होना, इस प्रकार की समस्याएं होते हुए देखी गई हैं। कोलोन में स्वेलिंग का होता हुआ देखा गया है, कोलाइटिस की संभावना ऐसे पेशेंट को देखी गई है। इवन यहाँ तक बताया गया है कि उन्हें हार्ट डिजीज से भी होकर के गुजरना पड़ सकता है, इवन अटैक भी आ सकते हैं, और ऐसे कई केसेस रिपोर्टेड भी होते हैं। बट यहाँ पर इतनी ज्यादा साइंटिफिक स्टडी शायद अभी तक नहीं हुई है, तो मेडिकल साइंस नहीं मानता है, लेकिन ये सत्य है, ऐसे केस देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं मूत्र के वेग को रोकने की बात करूं, कई बच्चे जो होते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो स्क्रॉल करते जा रहे हैं या वीडियो गेम्स खेलने के चक्कर में घंटों बैठे हुए हैं और पेशाब को होल्ड किए हुए हैं, यूरिन के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ बहुत गंभीर समस्या से उनको सामना करना पड़ सकता है, उनको पथरी हो सकती है यानी रीनल स्टोन का भी सामना करना पड़ सकता है, उनका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी वहां पर हो सकता है, यूरेथ्रा सिकुड़ सकती है, क्योंकि ये सारे वेग वायु के वेग होते हैं, चाहे मल का वेग हो चाहे मूत्र का वेग हो, ये अपान वायु का वेग है, और जब अपान वायु निकलना चाह रही है उस समय पर हम रोकेंगे तो वायु का जो रूक्ष गुण होता है वो वहां के एरिए को संकुचित करना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से जलयान समाप्त होने की वजह से वहां पर पथरी होने की संभावना हो जाती है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना आ जाती है, वहां पर नेफ्राइटिस होने की संभावना आ जाती है, वहां पर किडनी फेल्योर की संभावना, इवन पस सेल्स जनरेट और सिस्टाइटिस की भी संभावना देखने को मिलती है। और ये संभावना ऐसी वैसी नहीं, बहुत गंभीर रूप धारण भी कर लेती है। कई पेशेंटों का इसकी वजह से उनका अपना जीवन अस्त व्यस्त होते हुए देखा गया है, लेकिन इसका एक समाधान आयुर्वेद में बताया गया है जिससे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है। और यदि आप वेग धारण करते हैं तो प्लीज वेग धारण करना बंद कर दीजिए, यानी इनको रोकना बंद कर दीजिए। जब भी यूरिन लगे यूरिन के लिए जाइए, जब भी गैस पास करने का मन करे गैस पास करने के लिए जाइए, जब भी फ्रेश होने का मन करे फ्रेश होने के लिए जाइए। अब इसका क्या उपाय कर सकते हैं मूत्र वेग धारण में या अपान वायु वेग धारण में? तो जब यदि आप लंबे समय से ये कर रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत समस्या स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपको सुबह खाना खाने के पहले 1 चम्मच घी खाना है, और रात को जब आपका खाना पच जाए, यानी बहुत जल्दी भोजन कर लीजिएगा,
सूर्यास्त से पहले भोजन करना है, और जब आपको लगने लगे कि आपका खाना पचने लगा है, आपको अच्छी डकार है, आपको हल्का पंसा लगने लगा है, तो एक चम्मच घी आप उस समय खा सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं फिर से कहूँगा कि अपने शरीर के वेगों को धारण करना बंद कर दीजिए, वरना आप गंभीर समस्याओं से जूझ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन 13 प्रकार के वेगों पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ, तो बिल्कुल मैं इन 13 प्रकार के वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। प्रत्येक वेग के ऊपर की डिटेल में इनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इनका क्या क्या समाधान है। तो मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।